नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ मणियाहू नगर के रामलीला मैदान में, लोकसभा 73 और 74 मछलीसर संसदीय क्षेत्र, जो माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ। आइए लेके चलते हैं किस तरीके से सभा को संबोधित करते हैं। इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 400 पार का मतलब क्या होता है? आप पत्रकार साथी हो, नदिया के पार, अरे यहाँ तो बड़ी फेमस फिल्म बनी थी नदिया के पार। तो नदिया के पार का मतलब क्या हुआ कि उस पार सड़क के पार, तो उस पार चार पूजा भाई 400 पार, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 543 543 सीटों में 400 के बाद जीतेंगे, तो वो 143 हैं, लेकिन 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं देगी। तो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, देखिए जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो व्यवस्था खराब कर दी, पुलिस को जो रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर दिया था वो खराब कर दिया, जो मेडिकल कॉलेज आज आधुनिक खंडर की तरह खड़ा है, न डॉक्टर्स हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, न प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो बिजली के कारखाने का नाम न ले पाए हों आज तक। और फिर जब हम लोगों ने सवाल किया तो क्या कहते, 46 में 56 आईएएस यादव हो गए थे, जो जिन्होंने झूठ बोला उस सदन में और सदन के बाहर, ये जनता सब समझ गई है इस बात, इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। यहाँ से प्रिया सरोज और हमारे बाबू सिंह कुशवा और पूर्वांचल की 27 सीटें, अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है, लेकिन अब क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। जौनपुर में आपको दिखाई नहीं दिया, जेल भेज दिया, फिर जेल से बाहर ले लिया, फिर बसपा की टिकट कटवा दी, फिर बसपा से टिकट दिलवा दी, ये गणित क्या जनता नहीं समझती है? राजा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो जेल जाना, जेल से बाहर आना, टिकट कटवाना, टिकट दिलवा देना, ये सब जनता समझती है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए एक साथ आएं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। पूर्वांचल की 27 सीटें, इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है, जिन्होंने 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को धोखा दिया हो, और आज अगर 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो फौज की नौकरी अग्निवीर बना दी, 4 साल की नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, 25 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ, वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी किसानों का कर्ज माफ तो करेगी करेगी, वहीं MSP का अधिकार दिलाने का काम करेगी, जिससे फसलों की कीमत सही मिल जाए, जो 30 लाख नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, और गरीब महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा, राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता, और साथ ही साथ पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी सरकार में होगा।